आप लोगों ने हजार बार सुना होगा, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। और मारने वाला क्या होता है? शुभम ने मारा जिया को, या फिर जिया को मजबूर किया खुद की जान लेने के लिए? और आपने मरवाया शुभम को बदला लेने? पागल हो गए क्या आप लोग? शुभम जिया को क्यों मारता? उसने खुद मुझसे कहा था कि शौर्य उसके साथ। शुभम ने आपसे कहा था? क्या जिया ने आपसे कुछ कहा या आपने कुछ देखा? नहीं देखा। हमें क्या पता शुभम ने आपसे झूठ बोला या फिर आप हमसे झूठ बोल रही हैं? झूठा आप मुझे फंसा रहे हैं। शुभम एक सगे पिता से भी अच्छा पिता था, और मैं शुभम को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। सब डॉली तो हलवा पूरी है, पता लेकर आया। उन्हें पुलिस को फोन करके अभी उठवा लीजिए सर। जगन, ये लड़कियों का सप्लायर जगन तारा का एडवांस लेके गायब है। हमें इसे खोज निकालना होगा सर। राशिद, तो अभी से शुरू हो जा। अपने सबसे टॉप के बंदों को इस जगन के पीछे लगा दे, और तारा की खोज भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। वो इस केस की चाबी है, समझा? जी सर। राजू जी, राजू जी, माधव काका, माधव काका, आपने मेरे पति को देखा क्या? अरे वो तो कल रात को ही निकल गया था ना। अरे राजू, इतनी रात गए, कहाँ जा रहा है? पुणे से ही जा रहा हूँ काम से। अच्छा अच्छा जरा संभल के जाना बेटा। जी। अच्छा अच्छा गए होंगे, बताया था मुझे, मैं ही भूल गई। ठीक है। शुभम चौहान का ड्राइवर राजू शादीशुदा था, तो क्या उसका तारा के साथ अफेयर है? गलत इल्जाम था। और अगर ऐसा था तो फिर राजू रातों रात गायब क्यों हुआ था? दूसरी ओर प्राइवेट डिटेक्टिव राघव कुमार शुभम चौहान के बारे में और क्या जानता था? तीसरी ओर नंदिनी शुभम के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार क्यों कर रही थी, जबकि फोन रिकॉर्ड्स में यह साबित हुआ था कि शुभम चौहान की फ्लैश ट्रेड ट्रैफिकर जगन सेठी से बात हुई थी। ए साहब सुनो ना, मेरा मुंबई पहुंचना जरूरी है क्या? मामला इधर ही रफा दफा कर देते ना। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, बताओ। देखो आप ऐसे दिखा दो कि आपकी गाड़ी चाय की टपरी पर रुकी और डॉली चकमा देके भाग गई। हाँ आप डायरेक्ट अपना रेट बता दो ना। पक्का प्रॉमिस, माँ कसम उसके ऊपर 10% मैं आपको दूंगी। जाने दो ना साहब। वेलकम मिस्टर रावत। राघव। हेलो सर। मैंने तुम्हें सीसीटीवी में देख लिया था, तभी बेल बजने से पहले दरवाजा खोल दिया। ये मैंने पकड़ दिया था सर। दरअसल इसी सीसीटीवी ने आपके शुभम चौहान को भी पकड़ लिया था। मजबूर लड़कियों को खरीदते 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 क्या पड़ गई क्या तुझे? तुझे क्या लगा पुलिस बेकाऊ है? अपनी आजादी खरीदने चली थी तू? तारा कहाँ है? कौन तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानती हूँ। जगन सेठी कहाँ है डॉली? कौन जगन सेठी? एक मिनट, ये देखो, ये दोनों फोटो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। जाकर इस नंदिनी चौहान को ग्रिल करो, शायद वो नहीं जानती है और इसमें शामिल है। राइट सर। मुझे पता है आप लोगों के लिए इस वक्त तारा का मिलना सबसे ज्यादा अहम है, और तारा के मिलने से पहले आपको असली शुभम से मिलना होगा। थैंक यू। और असली शुभम से मिलने के लिए आप लोगों को आदित्य माथुर से मिलना होगा। आदित्य माथुर? मेरी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, काफी ट्रैवलिंग होती है, ऑडिट्स, मीटिंग्स, महीने में 2 हफ्ते या कई बार उससे भी ज्यादा। और आपको लगता है आपकी वाइफ नंदिनी का आपके पड़ोसी के साथ अफेयर है? जी हाँ, उसी का ही सबूत चाहिए मुझे। मिल जाए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, घर में मेरे 3 बच्चे हैं, उनको इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसकी आप फिक्र ना करें, घर की एक दीवार को पता नहीं चलेगा कि दूसरी दीवार क्या कर रही है। करता हूँ फोन तुझे। अरे भैया इंटरनेट फिर से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना? घर से काम करता हूँ, सारा काम इसी पे चलता है मेरा। आपका काम नहीं रुकेगा सर।
दिनों वो लोग यहीं पैडर रोड में रमानी के अपार्टमेंट में रहते थे। डी 503 में माथुर परिवार 3 बेडरूम में और बगल में डी 504 में किराए पर शुभम चौहान रहता था, जो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ। आपने आदित्य माथुर को कैमरा फुटेज दिखाई? पूरा पैकेज दिया था। जब भी आदित्य घर पे होता तो ये लोग बाहर मिलते, कभी कार में तो कभी होटल्स में। सालों पुलिस सर्विस में रहने से ये हुनर तो सीख ही लिया था कि सीक्रेट लवर्स के बारे में कहां और कैसे पता लगाया जा सके। इन सारे सबूतों के साथ फाइनल सबूत था वो हिडन कैमरा फुटेज। क्या क्या मिला आपको? फोटोज हैं, होटल की सीसीटीवी फुटेज हैं, शुभम के बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज हैं। माथुर साहब, जब आप टूर पे होते हैं और आपके बच्चे स्कूल में, तब आपकी वाइफ शुभम के फ्लैट में जाती है। मुझे वीडियोस भी दिखाइए। इतना काफी है माथुर साहब? नहीं नहीं नहीं, मुझे वीडियोस देखनी है, आप दिखाइए प्लीज। पूरे 1 घंटे की फुटेज है, मैं बाहर खड़ा हूं, पूरा फुटेज देखा उसने। बिना कुछ बोले मेरा बैलेंस पेमेंट किया और निकल गया। आप कुछ देर बैठिए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये लीजिए। मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, आप ये पैसे लीजिए बस। मुझे उसको पेमेंट की रिसीप्ट देनी थी और काफी डिटेल्स भी देनी थी, लेकिन आदित्य फोन ही नहीं उठा रहा था। लेकिन 6 दिन बाद जब मैंने उसे कॉल किया, हेलो, क्या मैं आदित्य माथुर से बात कर सकता हूँ? मैं उनकी वाइफ नंदिनी बोल रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह आदित्य की डेथ हो गई है। ओह सॉरी, कैसे? हार्ट अटैक। आप कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम राघव कुमार है, वो मैं उनका क्लाइंट था। मौत में कोई गड़बड़ थी? मर्डर था, पता क्या था आपने? मर्डर नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, वाकई में हार्ट अटैक था। डॉक्टर से भी बात की थी हॉस्पिटल में, इस अफेयर ने उसे शॉक कर दिया था। आदित्य ने इस बारे में बात की थी नंदिनी से? मुझे नहीं पता उसने अपनी पत्नी या शुभम से कोई बात की थी या नहीं। और फिर इन दोनों ने शादी कर ली, शुभम और नंदिनी ने, 1 साल बाद। फिर उन्होंने वो पेडर रोड वाला फ्लैट भी बेच दिया और नॉर्थ मुंबई शिफ्ट हो गए, शाइनिंग पर्ल अपार्टमेंट मलाड। हाँ। 9 साल में उस फैमिली में काफी कुछ हुआ होगा। आदित्य को और क्या डिटेल देने वाले थे आप? मैंने शुभम की दिल्ली की लाइफ की रिपोर्ट बनाई थी। क्या लाइफ थी उसकी? मुझे मेरी पुरानी फाइल खंगालनी होंगी, सारी डिटेल्स हैं उसमें। फाइल मिलते मैं आपके पास ले आऊंगा। आप और शुभम मिले कैसे थे नंदिनी जी? शुभम हमारे बगल के फ्लैट में मूव इन हुआ था, वो अकेला रहता था, और मैं पूरी फैमिली होने के बावजूद अक्सर अकेली रहती। मेरे हस्बैंड आदित्य महीनों टूर्स पे रहते, मैं घर और बच्चों को संभालती, लेकिन खुद को भी संभालना होता है, खास करके इमोशनल और फिजिकल जरूरतों को, जिन्हें आप जितना इग्नोर करो उतने ही ज्यादा महसूस होते हैं। आपकी चुन्नी। थैंक यू। अरे आप तो हमारे बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हो ना? जी, शुभम चौहान। हाय नंदिनी। हमारी नेम प्लेट रीड कर ली? वैसे मैं माइंड रीड भी कर सकता हूँ। रियली? तो बताओ इस वक्त मेरे माइंड में क्या चल रहा है? यही कि शुभम चौहान की फैमिली इसे कब ज्वाइन कर रही है। और इसका कारण? भाई बंदे ने 3 BHK फ्लैट लिया है किराए पर। एक्चुअली मैं यही सोच रही थी। तो बताओ कब तुम्हारी फैमिली ज्वाइन कर रही है? मैम दिल्ली से हूँ, बड़े घर में रहने की आदत है, इसीलिए 3 BHK फ्लैट लिया है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, बैचलर हूँ। लेकिन इतने बड़े घर में अकेलापन महसूस नहीं होता? अकेलेपन का तो ऐसा है ना कि खुशियों से भरे घर में भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है। कम से कम उसके अंदर का एक हिस्सा तो हमेशा तन्हा रहता है, तड़पता रहता है। सही कहा तुमने। वेट वेट वेट। ओ हाय। हाय। कम। थैंक यू शुभम। इट्स ओके।
कितनी सारी शॉपिंग कर ली आपने। लीजिए। थैंक्स अ लॉट शुभम, सो स्वीट ऑफ यू। वैसे थैंक यू कॉफी के साथ और भी अच्छा लगता है, नहीं? मैं पूछने ही वाली थी, चलिए। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अधूरापन पूरा होने लगा। आपके पति को आप पे शक नहीं हुआ? कभी कुछ पूछा नहीं आपसे? नहीं, आदित्य अपने काम में इतने बिजी रहते कि उन्होंने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। वो इंसान बुरे नहीं थे, लेकिन काम के बोझ के तले उनके अंदर का पिता पति सब दबकर खत्म हो गए थे। और शुभम उसका जस्ट ऑपोजिट था, ऊपर से सिंगल। ये शुभम के इससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं थे? कोई सीरियस अफेयर नहीं था, और मेरे और शुभम के बीच में भी पहले इतना सीरियस नहीं था। लेकिन शुभम के मेरे लाइफ में आने के 2-3 महीने के अंदर ही आदित्य को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। आदित्य की डेथ के वक्त शुभम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा सहारा था। साल बाद आपने और शुभम ने शादी कर ली। बिना शादी किए भी मैं ये रिश्ता बनाए रख सकती थी, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। और फिर मेरे बच्चे भी थे और शुभम की फैमिली भी। ये शुभम के जाने का वक्त नहीं था, जिया के भी जाने का वक्त नहीं था, शौर्य और तारा होकर भी नहीं। अब इस घर में कोई भी नहीं। आप इन दोनों को जानती हैं? नहीं, कौन है ये लोग? ये लड़कियों को इसको सप्लाई करता है और ये लड़कियों को क्लाइंट को बेचती है। आप लोग अभी भी उसी घिनौनी थ्योरी को पकड़ के बैठे हो कि शुभम ने तारा को फ्लैश ट्रेड में बेच दिया। अरे अरे रुक जाओ ना मैडम, थोड़ा धीरे मारो ना मैडम। अरे लगे अरे अरे कितने में सौदा किया था जगन ने? हां कितने में सौदा किया था? लाख, वन टाइम पेमेंट, आगे पीछे कुछ नहीं। अरे डॉली, ये ग्रेजुएट है, अंग्रेजी एकदम फर्राटे के साथ बोलती पटपट करके। इसको अपना वो सिंगापुर वाले सर्किट में डालो, इतना माल कमाओगी बटोर नहीं पाओगी। जगन, मैं औरत हूँ, वो भी घाट घाट की पानी पी हुई औरत, सब जानते हो। 6 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन वो 10% एडवांस अभी चाहिए। लड़की कब तक मिलेगी? कल रात। वो रात कभी आई नहीं साहब, मेरे सारे पैसे लेके भाग गया है कमीना। इसको पहचानती है? नहीं, कौन है ये? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा साहब। और इसको? इसे भी नहीं जानती। नंदिनी जी, हम फिर मिलेंगे, शायद बार बार मिलेंगे, तब तक जब तक तारा मिल नहीं जाती। सुनिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई और तारा को बेचने के चक्कर में था, या फिर तारा इस रैकेट में फंस गई थी और शुभम इसको छुड़ाने के चक्कर में था और मुझसे इसलिए झूठ बोला ताकि मुझे बुरा ना लगे या टेंशन ना हो। इस जगन या किसी और के भी टच में इसलिए था ताकि पैसे वैसे दे के तारा को छुड़ा सके। हो सकता है, यही सच है। एक बार तारा मिलेगी तो सब बोलेगी। क्या नंदिनी की थ्योरी में सच था? क्या वाकई में तारा को ट्रैफिकर्स के शिकंजे से निकालने गए शुभम का कत्ल कर दिया गया था? क्या ट्रैफिकिंग माफिया इस कत्ल में इन्वॉल्व था? देख डॉली, अगर तूने कोई सुपारी उपारी दी थी तो अभी का भी बता दे। साहब, मेरे पास लड़की थी नहीं तो उसकी सुपारी कैसे दूंगी मैं? और मान लीजिए कि लड़की मेरे पास होती तो मैं उसे कस्टमर को बेच के पैसे कमाती ना साहब, ऐसे मरवा थोड़ी देती।
मैम मेरा नाम भी साध्वी के मर्डर केस में ठीक वैसे आया जैसे जिया के केस में आया था, बेबुनियाद। हमें चाहता जरूर था कि उस कुत्ते की मौत आए। इतनी नफरत, इसका कोई खास कारण? ओवरनाइट तो पैदा नहीं हुई मैम। ये तुम तीनों का बेडरूम है, अच्छा है ना? कम ये देखो, ये मास्टर बेडरूम है तुम्हारी मॉम का और मेरा। इनकम ये है स्टडी रूम, जहां पर मैं अपना काम करा करूंगा और तुम तीनों भी अपनी पढ़ाई करोगे। मैं 24/7 मौजूद रहूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। फ्री ट्यूशन्स। मुझे मेरा रूम चाहिए। है ना तुम्हारा रूम, तुम्हारा, जिया का और तारा का। पहले घर में मेरा अलग रूम था, इन दोनों का अलग और मॉम डैड का अलग। बेटा पहले अलग डैड थे, पर ये डैड तुम्हें टाइम देंगे, हमेशा गायब नहीं रहेंगे। सो प्लीज पहले के साथ नो कंपैरिजन। ओके 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 डैड, हमने अग्री किया था ना? ओके डैड। अब क्या हुआ शौर्या? नया स्कूल, नए दोस्त, नया घर, नए डैड। एक 15 साल के लड़के के लिए आसान नहीं था। जिया मेरे बेड पर डॉल्स क्यों रखे? जिया निकालो इन्हें अभी। डैड ने बोला मैंने यहाँ रख सकती हूँ। शौर्य गलत किया तुमने, जाओ डैड बुला रहे हैं। क्या है? नॉक करना होता है कमरे में आने से पहले। आपने मुझे बुलाया, फिर भी बाहर जाओ, नॉक करना फिर अंदर आओ, जाओ। सॉरी डैड, अगली बार नॉक करके आऊंगा, बोलेंगे क्या बोलना है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर जाओ, नॉक करके अंदर आओ, तब बताऊंगा, जाओ। ये रोज होता, डिसिप्लिन के नाम पर मुझे घर का विलेन बनाया जा रहा था। या सारा टाइम हाथ क्यों धोती रहती है? शौर्य शौर्य दरवाजा खोलो। शौर्य कम आउट राइट नाउ। शौर्य खबरदार जी, अगर दरवाजा खोला तो वहीं बैठो बाथरूम में, धोती रहो हाथ पूरी लाइफ भर। शौर्य मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, दरवाजा खोलो। क्या हुआ शुभम, अब शौर्य ने क्या कर दिया? उसके मुंह से ड्रग्स की स्मेल आ रही है, आंखें लाल है इसकी, कुछ बता ही नहीं रहा है। हे भगवान, इस घर में अब यही होना बाकी था। मुझसे घर का माहौल सहा नहीं जा रहा था, तो हाँ मैंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए ताकि मैं अपने पुराने डैड और पुरानी लाइफ को भुला सकूं और इस नए सिस्टम को झेल सकूं। तुमने अपनी इस फीलिंग के बारे में अपनी मॉम से बात नहीं की या अपनी बड़ी बहन तारा से? तारा और जिया खुद हमेशा इसी टेंशन में रहते, पता नहीं उनके साथ भी क्या हो रहा था। और रही बात मॉम की, तो वो तो मेरे डैड के हाथ की कठपुतली बनी हुई। उस आदमी ने मुझसे मेरी मॉम और मेरी बहन को छीन लिया था, हमारा घर छीन लिया था। मुझे घर से निकालना उसने अपनी टॉप प्रायोरिटी बना ली। किसका है? नंदिनी ये हार्ड ड्रग्स है। वो हार्ड ड्रग्स मेरे नहीं थे, उसने प्लांट किए थे ताकि मुझे घर से निकाल सके। मेरे मरे हुए डैड की कसम, उसने मुझे फंसाने के लिए रखे थे और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। मना लिया मॉम को और निकाल दिया मुझे घर से। और उसके बाद तुमने उस पे हमला किया। बचपना था मेरा वो, आज करता तो आर पार का होता। मुझे घर से निकालना कोई रैंडम बात नहीं थी, चाल थी उसकी अपने मकसद को पूरा करने की। कौन सा मकसद? मॉम तो बताने से रही, आरा दी मिली तो जरूर बताएंगे। मैडम मेरा नाम चंदा मल्ला है, मेरे पति राजू मल्ला। राजू मल्ला जो शुभम चौहान के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था? जी मैडम। अच्छा बोलो क्या बात है? मेरे पति राजू कल रात से घर नहीं आए और उनका फोन भी बंद आ रहा है। इसको जानती हो?
मैडम मैं 3 महीने पेट से हूँ। राजू के बड़े अरमान है हमारे होने वाले बच्चे के लिए। मैडम प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए। एक दिन और वेट करो, अगर राजू वापस नहीं आता है तब तुम्हारी शिकायत दर्ज करेंगे ढूंढने के राजू को, ठीक है? क्या हुआ चंदा? मैडम ये कौन है मैडम? तुम जानती हो उसको? हाँ मैडम, पिछले हफ्ते हमारे घर आए थे और राजू से काफी लंबी बात हुई थी। तुम अंदर बैठो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। राजू की इससे पहले की दोस्ती है? पता नहीं मैडम, मैंने पहली बार ही देखा था। ये केस एक समंदर के भंवर की तरह पेचीदा था और शक की सुई अलग अलग दिशाओं में घूमती जा रही थी। पर इस केस की एक सच्चाई थी कि जितने गुनहगार थे उतने ही पूरी तरह से अनजान और मासूम किरदार भी थे जो जुर्म से पीड़ित थे। सर ये डॉली कह रही थी कि वो तारा को सिंगापुर सर्किट में डालना चाहती थी और तारा के पति अभिषेक ने हमसे कहा था कि वो पिछले 10 दिनों से सिंगापुर में था। दिशा तुम अभिषेक से बात करो, पता करो आखिर सिंगापुर में ये कर क्या रहा था। राइट सर। दीक्षित सर, खबरी राशिद को बोलो कि जगन के साथ साथ इस राजू को भी ढूंढो। सर। और मैं डिटेक्टिव राघव साहब से मिलता हूँ, देखता हूँ वो इस कोर्ट में क्या पेश करता है। कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर हूँ, पिछले 10 दिनों से रोज 16 घंटे काम कर रहा था सिंगापुर अर्बन डेवलपमेंट ग्रुप के लिए और बाकी का टाइम सो रहा था अकेला बेड पर चद्दर रोड। जाइए और पता कर लीजिए सिंगापुर में। जरूरत पड़ी तो जरूर जाऊंगी और पता भी करूंगी। और इतना गर्म होने की जरूरत नहीं मिस्टर, शांति से बात करें। मेरी लाइफ में पिछले 2 सालों से कोई शांति नहीं। जरा बताओगे तुम्हारे और तारा के बीच में प्रॉब्लम क्या थी? मेरे छूने से भी तारा को घिन आती थी दिनों, तो उस कारण हमारे बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाया। लेकिन तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना? हाँ, लेकिन अब लगता है शायद उसने मुझसे जल्दबाजी में शादी की, मानो उसे किसी तरह बस उस घर से निकलना था। क्यों, ऐसा क्या था उस घर में? मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। मैंने तो मैं पहले दिन ही कहा था कि मेरे कुछ इश्यूज हैं। शादी के बाद बोला तारा, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? जब हम डेट कर रहे थे तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। बोला तो शादी नहीं करते। करता लेकिन उससे पहले तुम्हारी हेल्प करता इस डर से उभरने में। तारा अभी भी देर नहीं हुई है, आखिर बात क्या है मुझे बताओ, हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। जब जाना होगा तब जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थी तारा? मैं आज ही अपने घर वापस जाऊंगी। लेकिन वहां से लौटने के बाद तो तुम्हारा मूड और भी खराब रहता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगी। उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी और अब तो पूरी तरह गायब है। और फिर उसके फादर मारे गए, सौतेले फादर। सौतेले? मुझे नहीं मालूम। तो फिर तो अफेयर के बारे में भी नहीं मालूम होगा। अफेयर? किसका अफेयर? शुभम चौहान की पत्नी नंदनी को अभी यहाँ बुला सकते हैं इंस्पेक्टर। ओके शो। राशिद भाई, इनमें से केस का विलन कौन है? तीनों मिलो हो सकते हैं, कोई एक या दो भी, या शायद विलन शुभम चौहान ही था या वो हीरो था इस कहानी। ये सब पता करना पुलिस का काम, अपना काम है परोसना गर्मा गर्म, वो भी जल्द से जल्द। मेरे छूने से भी वो कांप उठती थी और तारा ने एक ड्राइवर के साथ अफेयर किया। शुभम चौहान ने आरोप लगाया था कि अफेयर था, पक्का नहीं है। ये शुभम चौहान जो मुझे अभी पता लग रहा है कि तारा का रियल फादर नहीं था, वो कुछ अजीब तो था। कैसे? वो मेरे और तारा का पैचअप करवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ अजीब था। समझाओ मुझे। कैसे डैडी जी, आप फादर हैं तारा के? अभिषेक मैं एक मर्द भी हूं, मैन टू मैन बताओ क्या बात है। सर एक्चुअली इश्यूज बेडरूम में है, आपकी बेटी और मेरे बीच कुछ होता ही नहीं है, मैं उसे छूता हूं तो उसे घिन आती है। तुम उसे शायद ठीक से छूते नहीं हो जैसा कि उसे पसंद हो। डैडी जी आप? अभिषेक हर लड़की हर औरत अलग होती है,
उसके डिजायर्स को जगाना एक आर्ट है, टाइम लगता है। मैडम वो सीधे कह सकते थे कि किसी सेक्सुअलॉजिस्ट से मिलो, लेकिन नहीं, वो मुझे डिटेल में समझा रहे थे अपने खुद के दामाद को, अपनी खुद की बेटी के बारे में। वैसे एक बात बताओ, तारा से पहले तुमने कोई एक्शन नहीं देखा क्या? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, स्मार्ट हो, कोई तो फेर रहा होगा। अब समझी मैडम, एक किस्म का पर्वर्ट कह सकते हैं, विकृत। समझी, आपको मेरे पहले पति आदित्य ने मुझ पे जासूसी करने के लिए कहा था? आप और शुभम पर जो मैंने बखूबी की, सारे सबूत अभी तक संभाल के रखे हुए। तो अब 9 साल बाद ये सब खुलासा करने का मतलब क्या है? क्योंकि शुभम चौहान का मर्डर हुआ है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि शुभम चौहान के अतीत के बारे में आप क्या जानती हैं? क्या आपको पता था कि शुभम की एक बार पहले शादी हो चुकी थी? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? और शुभम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा था। आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? इसी केस के चलते शुभम को नौकरी से निकाल दिया गया था। आप लोग ये सब इसलिए बोल रहे हो ना ताकि शुभम को? देखिए मैडम, शुभम को डिफेंड करने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप सच जान लें। 9 साल पहले मैं दिल्ली गया था शुभम की डिटेल निकालने के लिए। 2008 और 2010 के बीच में वो एक टॉप की एडवर्टाइजिंग कंपनी में सीनियर कॉपीराइटर था। रिक्वेस्ट है सर, एक सीरियस मामला है। ओके, ऐसा है, शुभम चौहान नो डाउट हमारा बेस्ट कॉपीराइटर था, लेकिन सबसे घटिया एम्प्लॉय था। जल्दी पायल, जल्दी, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे शुभम के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज करानी। कुछ सीरियस है पायल? है, बहुत जल्दी है घर जाने की, डेट है कोई। शुभम, आई डोंट लाइक इट, ओके? जिस तरह के कपड़े पहनती लगता तो नहीं है, एंड दिस हंग्री लुक इन योर आईज। ओह, तुमने सारिका से बात की? यस सर, आधा घंटा पहले। भाई, व्हाट आर यू सेइंग? सॉरी, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता। ऑफिस की हर दूसरी लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है, लड़कियां जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में चुप रहती है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड टॉप का कॉपीराइटर है, काफी पावरफुल है, उतना ही घटिया। शुभम को न सिर्फ नौकरी से निकाला गया, बल्कि उसके बाद उसे किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब नहीं मिली। इस सबसे भागने के लिए शुभम मुंबई शिफ्ट हो गया। और आप ये सारी बातें मुझे अब बता रहे? देखिए मैडम, आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे एक खास काम के लिए रखा था, मैं तो उन्हें ये वाली फाइल भी देना चाहता था। देखिए, मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, आप ये पैसे लीजिए बस। फिर से आपकी बदनसीबी, आपको कुछ बिना बताए बिना कुछ पूछे आदित्य हार्ट अटैक की वजह से चल बसा, और मेरा ये केस क्लोज हो गया 9 साल पहले। लेकिन जब मैंने शुभम के मर्डर के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। नहीं, ये एक पूरी तरह से फर्जी केस है। आप सब लोग मिले हुए हैं शुभम को बदनाम करने के लिए। आपको अभी भी ऐसा लगता है? ओके, अबे चौहान, इंस्पेक्टर सौरव रावत मुंबई पुलिस से। कहीं इंस्पेक्टर, इस वक्त हमारे सामने तुम्हारी भाभी नंदिनी जी बैठी हुई है। अबे, क्या तुम्हारे शुभम भैया की पहली पत्नी सारिका ने सुसाइड किया था? जी हाँ, किया था। क्या तुम्हारे शुभम भैया को दिल्ली की एड एजेंसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस की वजह से निकाल दिया था? जी हाँ, लेकिन अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? अबे, आप लोगों ने ये सब बातें मुझे कभी बताई क्यों नहीं? भाभी, जब भैया ने आपको कुछ नहीं बताया तो हम क्या बताते, और वैसे भी उन्होंने शादी हमसे पूछ के तो आपसे की नहीं थी। ये सब सच नहीं है। आपको लग रहा है कि अभय भी हमारे साथ मिला हुआ है? ठीक है जी साहब। सावंत, दिशा को बोलो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स लेकर तुरंत यहां पहुंचे। नंदिनी जी, शुभम पोर्नोग्राफिक का एडिक्ट था, दिन भर घंटों ऑनलाइन ब्लू फिल्म देखा करता था। ये उन्हीं सभी वेबसाइट की लिस्ट है, इनमें से कुछ तो बहुत ही विकृत किस्म के हैं। इन सभी पेड वेबसाइट पर उसकी पेमेंट गई है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डॉलर्स में। शुभम घर से बहुत कम बाहर निकला करते थे, उनकी दुनिया उनका काम ही था, उनका कंप्यूटर। ये शुभम, तारा, जगन सेठी और राजू के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये चारों आपस में टच में थे तारा के गायब होने के बाद भी।
क्या नंदिनी मास्टरमाइंड थी शुभम के कत्ल की, या वो शुभम की असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती, या जानकर भी अपने दिलो दिमाग में उसे नकार रही थी, लिविंग इन डिनायल जिसे कहते हैं, या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी। पहला खुलासा हुआ जब खबरियों के जरिए जगन सेठी का पता लगाया गया। हेलो राजू, अबे किधर है बे? पानी ना मेरे सिर के ऊपर जा रहा है। अबे अब मैं कोल्हापुर में ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता हूं, पुलिस कभी भी। जगन सेठी, तारा और राजू कहां है? मेरे को नहीं पता। कैसे जानते हो एक दूसरे को? सर, मैं इनका ड्राइवर था। 2 साल पहले वो कुछ टाइम के लिए ये मेरी लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करता था इधर से उधर। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी पिछले 4 महीने पहले ना इसने अपने घर पे मुझे बुलाया। चंदा, तुम अंदर बैठो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। जी। जगन सेठ, बीवी है वो मेरी, वो भी पेट से। अरे हाँ, बोलो क्या बात करनी है? बोलो। एक लड़की बेचनी है। अच्छा, दिखाओ। हाई फाई है? हाँ? कीमत भी हाई फाई लगेगी, आड़पाड़ इंग्लिश बोलती है, देख के लग रहा है। लेकिन बेचना कौन चाह रहा है? शुभम चौहान बेचना चाहता था तारा को। हाँ सर, वो भी बेचना चाह रहे थे। तुझे भी छोड़ के चली गई? हाँ साहब, उसके चक्कर में अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। साहब, जाते जाते बोल कर गई है कि आपको तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। मुझे तड़पा तड़पा के मार डालेगी वो? राजू, अब ना मुझे उसे तड़पाना है। मैं उसे ऐसा दर्द देना चाहता हूँ जो उसे रोज हो, डेली। दर्द तो मुझे भी देना है, और एक तरीका है मेरे पास। चल सुना, सुनते तेरा दिमाग कितना गंदा सोच सकता है। साहब, मेरा एक कॉन्टैक्ट है पुणे में जो स्कॉट एजेंसी को लड़कियां सप्लाई करता है। अब मेरी लैंग्वेज बोल रहा है तू कमीने है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बता। साहब, मैं उसे ढूंढ कर पुणे ला सकता हूँ, बिकवा भी सकता हूँ, लेकिन साहब थोड़ा सा पैसा लगेगा। ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे तुझे, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे सामने बिकेगी वो, उसका पहला ग्राहक मैं रहूंगा। सर, प्लान ये था कि शुभम सर बाय टैक्सी पुणे आएंगे जगन के अड्डे पर, और मैं तारा को ट्रेन से वहां लेके आऊंगा। हाँ राजू। जगन सेठ, प्लान थोड़ा चेंज्ड है। आप शुभम सर को कॉल करके राठी हाउस के पास उतरने का हो। भाई ऐसा क्यों? सेठ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। आपको लड़की चाहिए या नहीं? अबे चाहिए ना, उसके नाम पे एडवांस लेके बैठा हूँ। तो बस कॉल कीजिए उसे अभी। हेलो, मैं जगन, वो राजू ने बात की होगी आपसे। हाँ, तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ मैं। राजू पहुंच गया लड़की के साथ? अब वो पहुंच ही रहा है, आप एड्रेस सुन लो, राजू आपको रिसीव करेगा। सर, मैं शुभम सर से मिला और उन्हें उस सुनसान घर ले गया। सर, यहाँ कहाँ है होटल? सर, एक घर है थोड़ा आगे, सौदा वहां होगा, होटल में थोड़ा सा रिस्क था। चल जहां भी हो, अपने को तो होने से मतलब है। तारा है ना वहां, उसे कुछ पता है? सर, वेट कर रही है आपका, मुझे लग रहा है वो आज आपको मारने वाली है। एक्साइटिंग। चल। तारा कहाँ है? अंदर तो जाइए सर, मैं जगन सेठ को लेकर आता हूं। सर, मुझे शुभम सर से बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। तेरे साथ तारा नहीं थी? तारा मुझे छोड़कर गई थी, मैंने उसके नाम से अपना बदला लिया। साहब, इसने जो कुछ किया ना, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसा ये कुछ करने वाला है। तो बैठ। तारा कहाँ है राजू?
मुझे नहीं मालूम सर, मेरा तारा के साथ अफेयर हुआ जरूर था। अफेयर पकड़े जाने के बाद वो गायब हो गई। झूठ। और मत बचा तारा को, मिल गई है तारा हमें तुम दोनों की फोन लोकेशन से। तारा के लिए राजू ने एक लॉज का इंतजाम किया था जहां से उसे पकड़ लिया गया, और आखिरकार तारा ने इस केस की घिनौनी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बयां की। जिस आदमी को मॉम ने हमें डैड कहने के लिए इतने साल तक फोर्स किया, वो किसी एंगल से डैड नहीं था सर, दूर दूर तक नहीं था। जिया क्या हुआ? दीदी, दीदी मुझे नहाना है। अभी क्यों? जिया पर तारा कितनी बार तुम्हें समझाया कि नॉक करके अंदर आया करो? बेसिक मैनर्स सिखाने पड़ेंगे तुम लोगों को। गो आउट, नॉक करके अंदर आओ, गो। मैं सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन सब समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है घर में। मॉम, जिया कहाँ है? वो तुम्हारे डैड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई है। मुझे आपसे जिया के बारे में कुछ बात करनी थी। तुझे क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? तेरे डैड ने भी नोटिस किया है। जिया सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैकिंग है। तुम्हारे डैड और मैं मिलकर उसकी हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली तुम्हारे डैड। बहुत कंसर्न है वो जिया को लेके। तेरी और शौर्य की भी बड़ी फिक्र है उन्हें। वो जानती है कल से तुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले हैं। मुझे कोई ड्राइविंग नहीं सीखनी। ऑफ कोर्स सीखनी है बेटा, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम तीनों इंडिपेंडेंट बन जाओ। सीधे सीधे कम ऑन तारा, एक्सेलरेट करो ना, दबाओ इसको। अब बार बार मेरे पैर को क्यों छू रहे हो? क्यों मतलब, पैर से एक्सेलरेट करोगी ना, ये तुम अपने इस मोटे सर से। अब बार बार मुझे ऐसे टच मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना मैं मॉम से कह दूंगी आपके बारे में। यही धमकी डैड ने जिया को भी दी थी, ये मुझे सालों बाद पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुझे क्या डिस्टर्ब कर रहा है जिया, बोल। भाई यहाँ नहीं है, मुझे अनसेफ फील होता है। डैड से अनसेफ फील होता है? वो तेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, धमकी दी है तुझे? चल हम दोनों मॉम को जाके सब कुछ बता देते हैं। चल तू। बहुत लेट हो गया है दीदी, मुझे सोना है। गुड नाइट। उसका लास्ट गुड नाइट था सर। जिया ने सुसाइड किया होगा, लेकिन उस आदमी ने रोज उसका कत्ल किया था, और शौर्या को घर से निकालना प्लान था उस आदमी का, ताकि उसे खुला हाथ मिले, जिया और मुझे गंदी तरीके से छूने के लिए। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मॉम को मैं 2-3 दिन के लिए योगा कैंप के लिए बाहर भेज रहा हूँ, उसके बाद हम दोनों इस घर में अकेले होंगे, जस्ट यू एंड मी। उसी दिन मैंने ठान ली थी कि मुझे उस घर में और नहीं रहना, मुझे अभिषेक के लिए बुरा लगता है। मैंने उससे शादी सिर्फ वो घर छोड़ने के लिए की थी, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे मजबूरन उसी घर में वापस लौटना पड़ा। जिस तरह शौर्य को घर से निकाला, उसी तरह उसने राजू को भी घर से निकाला। अपने पति को नहीं छूने देती, मुझे नहीं छूने देती, उसे राजू के हाथ में कौन सा जादू है? अभिषेक अनजान है क्योंकि वो मेरी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता। राजू इंसान है क्योंकि वो भी मुझे इंसान समझता है। लेकिन तुम शुभम चौहान, तुम तो जानवर भी नहीं, हैवान हो। और एक बात याद रखो, तुमने जो जिया, शौर्य और मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कम ऑन। मैंने राजू से सच में प्यार किया, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि ये शादीशुदा है। अच्छा, गलती हुई है तारा, लेकिन प्यार मैंने भी सच में किया। शुभम को किसने मारा? जगन सेठ, प्लान थोड़ा चेंज है। आप शुभम सर को कॉल करके राठिया उसके पास उतरने का हो। मैं लड़की आपको बाद में दिला दूंगा। आपसे जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए ना। आपको लड़की चाहिए या नहीं? तारा कहाँ है? अंदर तो जाइए सर। चौंक गई मुझे देखकर। सर, मुझे एक और चांस मिले तो मैं सौरत को भी मार दूं, जिसे हम तीनों इतने सालों तक मॉम कहते हैं, क्योंकि इसके रगों में ममता नहीं, सिर्फ खुदगर्जी बहती। धर्म, मुझे मालूम नहीं था। तारा चौहान उर्फ तारा आदित्य माथुर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्जेस लगाए गए और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। राजू पर भी धारा 302 और जुर्म छिपाने के चार्जेस लगे हैं। उसे भी शुभम को मारने का कोई अफसोस नहीं है, पर अपनी पत्नी चंदा को धोखा देने का अफसोस जरूर है। नंदिनी एक पूरी तरह से टूटी हुई औरत है। उसे इस बात का एहसास है कि उससे गलती हुई कि वो प्यार में अंधी बन गई थी। कौन बोल रहा है? बेटा, बेटा मम्मी बोल रही हूँ। किसकी मॉम? बेटा प्लीज एक बार घर आ जाओ, एक बार। मेरा कोई घर नहीं है और मैं किसी का बेटा नहीं। यह आखिरी बार था। नंबर के साथ आपको भी अपनी जिंदगी से डिलीट कर रहा हूं। खून के रिश्ते से जुड़ा परिवार इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और इस संपत्ति की रक्षा का मूल मंत्र है कि परिवार के बाहर कोई ऐसा रिश्ता मत जोड़ो जो परिवार के बंधन को तोड़ दे। फिर वो चाहे कोई लव अफेयर हो, दोस्ती हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। सलाह मशवरा करना, अपनी घरेलू रंजिश को बयां करना, ये अपनी जगह है, पर जैसे ही कोई बाहर वाला आपको आपके ही परिवार वालों के खिलाफ भड़काता है, जहर घोलने लगता है, तो ये लाल झंडी होती है कि इस इंसान का मकसद नेक नहीं है। ऐसे जहरीले व्यक्तियों को और अपने अंदर की खुदगर्जी को किनारे रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि जुर्म को अपना सर उठाने का मौका ना मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।